राधे खान शो देख रहे हैं आप लाइव ओनली ऑन जियो टीवी. वेलकम बैक पीपल, गुड मॉर्निंग. और अभी इस वक्त मेल्स हो जाए क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोग हमें ईमेल्स लिखते हैं, तो जिन्होंने ईमेल्स लिखी है अभी उनके कान खड़े हो जाने चाहिए क्योंकि उनकी मेल्स डिस्कस होंगी. अच्छा, अभी जल्दी जवाब देंगे. रीमा जी, यमुना फ्रॉम शारजा के व्हाइट हेड्स ऑन द नोज है एंड चिन, तो ट्रीटमेंट्स काफी किए नहीं जा रहे, क्या करूँ? आइडियली शी शुड गो टू अ ब्यूटी पार्लर. If she goes to a beauty parlor, she would be able to get rid of the whiteheads in a very professional way. Because agar aap sahi tarike se whiteheads aur blackheads ko tackle nahi karte, so you could leave marks and you could damage your skin. Yeah, you could damage your skin and you can press the skin so hard that you start leaving scars, etc. Ideal, just visit a beauty parlor or go to an aesthetician or a consultant. If you are short of time हाथ में नहीं है और आप सोचते हैं कि आपको quickly घर पे कोई treatment करना है, तो oats, जव जिसको कहते हैं, oats का powder बना के yogurt में आप मिला दो और उसको nice thick paste लगा के 10 मिनट वो लगाने के बाद फिर आप उसको स्क्रब कर दीजिए. तो उससे क्या होता है कि जो लूज व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स है वो निकल जाएंगे और आप नोटिस करेंगे कि स्किन में ज़्यादा स्मूदनेस आ जाएगी. बट अगर और भी सीरियस प्रॉब्लम बढ़ता जाए, देन यू मस्ट विजिट अ ब्यूटी पार्लर. अच्छा, सोमी अली का जरा बालों से रिलेटेड मसला है, मतलब बॉडी हेयर कि बाल उतारने का मसला है. वैक्स करती हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, अगर क्रीम लगाती हैं तो डार्क पैचेस हो जाते हैं, स्प्रे भी तो आ गया वैसे. और ने कहा कि जी हर चीज मैं कर चुकी हूँ, बाल उतारने का मसला हो जाता है, क्या करें? अगर आपने एक बार वैक्सिंग या थ्रेडिंग शुरू कर दी है या तो क्रीम लगाना शुरू कर दिया, तब क्या होता है कि बाल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. घर की जो ट्रीटमेंट होती है वो इफेक्ट बहुत ही आस्ते और धीरे से होती है. तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको ट्राई करना है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. एग वाइट के अंदर कॉर्नफ्लावर मिला दो और उसको एक पेस्ट के जैसे लगा के अपने मुंह पे लगा लो. और रोज, एक बार नहीं, आपको रोज वो लगाना पड़ेगा. और फिर आप उसको स्क्रब कर दीजिए. उससे क्या होता है, जो भी लूज बाल है वो गिर जाएंगे. बट और यू गो इन फॉर द साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स विच आर इन लेजर फॉर्म एंड देर आर अ लॉट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स विच हैव कम आउट इन द मार्केट टूडे. And don't hesitate. I'm sure you'll be able to find some. अच्छा, अभी अनम खालिद और शबनम शेख का, ये नहीं शबनम शेख का, किसी और का बड़ा है, ये आंखों से रिलेटेड. इन्होंने कहा कि जी डार्क सर्कल्स हैं, मैं बेस भी लगाती हूँ लेकिन बेस लगाने के बाद अजीब सी आंखों का ना वो कम्प्लेक्शन ठिकता नहीं है, या तो बेस. और दूसरे ने कहा कि आपके कपड़े देख के मेरे मुंह में पानी आ जाता है, क्यों भाई? मेरे कपड़े चीज से बने हुए हैं, कोई मुर्गी के टांके लगे हुए हैं इसके अंदर, फ्राइड चिकन, क्यों पानी आता है मेरे कपड़े देख के आपके मुंह में? She obviously wants wants to know the name of your designer, etc. So please give it to her, Nadia. ASAP. Yeah. But tell me what's her name? Sorry. Anam Khalid. Anam Khalid. Thank you so much for asking this question. Milk, cold milk, the natural cold milk. If you make pads of the cold milk and apply that on your dark circles, leave them and. You know, when I say do a treatment, it's important that you do the treatment every day if you want effective results. If you want a slow, steady treatment, then you could do it 3 times a week. But by doing every day, you would see a dramatic change in the color of the under eyes. Just cold milk with dipped in cotton pads, apply it every day under your eyes and the skin would start cleansing and the skin would get lighter. वही शनील, आपका भी कुछ मसला ये आंख के नीचे के स्किन का कलर का था, तो उसमें भी सिमिलर चीज चलेगी. अच्छा, किंजा, उफ़ल्ला, किंजा ने तो कहानी जरा सुने, बालों के पीछे इन्होंने फारिग हो गई है. कह रही है, हम किंजा फ्रॉम लंडन, 26 इयर्स ओल्ड. अब सुने बड़े गौर से. कह रहे हैं कि जी मेरे प्रॉब्लम 5-6 साल पहले शुरू हुआ. इट स्टार्टेड विद नॉर्मल हेयर फॉल और उसके बाद टेक्सचर मेरे बालों का बदलना शुरू हो गया, कर्ली और फाइन और ड्राई हो गए. कह रही मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, ऑयल्स, होम्योपैथिक मेडिसिन, स्किन की ऑटोप्सी भी इन्होंने दे दी है एलोपैथिक डॉक्टर से, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जेनेटिक है. देन इन्होंने 1 ईयर में पत्नी कोई दवाई खाई, उससे हेयर फॉल थोड़ा बंद हुआ, फिर उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करा दिया, बट लेकिन टेक्सचर नहीं बदल रहा. कि आई टेक केयर ऑफ माई डाइट और सप्लीमेंट्स भी लेती हूँ, क्या करूँ फिर भी? आई थिंक शी हैज टू स्टार्ट वंस अगेन कंटिन्यूसली कीप डूइंग नेचुरल हेयर ट्रीटमेंट्स
And of course, you know, when everything fails, I would say just keep continuing on at least the natural foods and application of natural hair conditioners. And coconut milk by far is one of the best natural conditioners. And she should use it in a case like hers. I would say instead of using it for 30 minutes a day, I would say use it for an hour. And the shampoo quantity should be very little so that she does not get rid of the natural oils. जी अच्छा एक ऐसे मैसेज जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, कहा कि अगर मैंने ऐसे मैसेज नहीं पढ़ा, कमाल है भैया, मोहब्बत आपकी तो थोड़े ऑब्सेशन में बदलती जा रही है, अल्लाह खैर करे। मारो कह रही है कि जी आई एम ओवर वेट, 17 ईयर्स की हूँ, 80 केजीज वेट है और चेहरे पे भी बाल है, इसका कनेक्टेड है, कोई मसला है? या इट कुड बी अ हार्मोनल इम्बैलेंस। क्या होता है कि वी ऑल गो थ्रू स्टेजेस इन आवर लाइफ। इसने क्या उम्र क्या बताई है? 17 खाने पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए। क्या होता है ना कि अगर आप शॉर्ट इंटरवल्स में स्मॉल पोर्शंस खाना खाएंगे उससे वेट लॉस हो सकता है। अगर आप एक खाना, आपने सुबह को 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट खा लिया और 2 बजे आपने अपना लंच खा लिया और फिर रात को 8 बजे या 9 बजे अपना डिनर खा लिया, आपने इतनी गैप रख दी, तो उससे क्या हो जाता है कि आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाते हैं। टू लूज वेट यू हैव टू स्पीड अप योर मेटाबॉलिज्म। सो इन अ केस लाइक योर्स आई वुड से ईट स्मॉल हेल्थी डाइट एंड इट शुड बी एट रेगुलर इंटरवल्स। थैंक यू वेरी मच। और साथ में जो कॉल्स का भी टाइम होगा, या अभी लास्ट सेगमेंट आ गया जी, देखें जरा, हैप्पी टू यू का सेगमेंट है, जिसको विश करना है आप जल्दी से एसएमएस कर दें। और ये एक एक्सरसाइज सी है, मैं कहूँगी कभी इफ यू फीलिंग डाउन, कुछ अभी कॉलर्स ने भी कहा था कि आपका शो देखते हैं तो एकदम लगता है माई स्पिरिट को कुछ जान से मिल गई है, तो थोड़ा सा करके कभी देखिए। एंड यू आई एम टेलिंग यू, चैलेंज है मेरा कि यू विल फील गुड जब मूड ऑफ होना, थोड़ा सा जरा हैप्पी टू यू अकेले में कर लें तो देखिए, या कोई आपको तंग करे आपके हैप्पी टू यू, एकदम उनका मूड बदल जाएगा, या तो मारेंगे या आपको बहुत प्यार करेंगे। तो ब्रेक के बाद देखते हैं, और उसके सलाम आर्टिस्ट भी सेगमेंट है, उसके बारे में आपको बताऊंगी आफ्टर दिस ब्रेक।